आप लोगों ने देखा कि हम लोगों सामने रखे हुए हैं स्टार्टर्स. ये एक्चुअली है बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट, जो कहाँ पे लोकेटेड है? गुलमोहर कॉलोनी में लोकेटेड है. एंड यहाँ पे पर हेड के हिसाब से आप अपनी टेबल बुक करवा सकते हैं. बुफे रहता है यहाँ पे, अनलिमिटेड आइटम्स हैं, आप लोग इतने फिनिश ही नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे स्टार्टर्स जो हैं वो जो वेटर्स हैं वो सर्व करते हैं, एंड जो मेन कोर्स है वो हमें खुद अपने आप लेना पड़ता है. सो हम लोगों ने ऐश के लिए अभी सबसे पहले स्वीट्स लेनी है, बिकॉज ऐश को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब में मिर्ची लग रही है, तो वो ये नहीं खा रहे हैं. सो हम लोगों ने उनके लिए अभी स्वीट्स ले ली हैं, एंड हम लोगों के लिए स्टार्टर आ चुका है. तो लेट्स ट्राई दी स्टार्टर, एंड आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है भोपाल के बारबेक्यू नेशन. ओके, अब ऐश को लगेगी मिर्ची. लगी. ओके. सो आप क्या ले रहे हैं शोएब, क्या है ये? मैं प्रॉन्स ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ प्रॉन्स. अच्छा, सो फर्स्ट टाइम इन दी लाइफ शोएब आज प्रॉन्स ट्राई करेंगे एंड टेस्ट बताएंगे कैसा लगता है उनको. सब चटनी. ओके, सो हाउ इज द टेस्ट? द टेस्ट इज काइंड ऑफ फिश लाइक टेस्ट. अच्छा, ओके, फिश लाइक टेस्ट. ओके, अ डिफरेंट टेस्ट, यूनिक टेस्ट. बेटा, यू ऑलरेडी हैव द फ्रेंच फ्राइज, और ले लो आप एक प्लेट और ले लो. मुझे भी सर्व कर दीजिए, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ. आपने क्या पानी पूरी खाया? पानी पूरी इज क्वाइट टेस्टी, मैंने भी ट्राई किया अभी, अच्छा लगा. टेक माइन प्रॉन्स. हाँ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं आज प्रॉन्स ट्राई करने वाली हूँ. लेट्स सी मुझे कैसा लगता है, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, मैं दूसरों को खाते हुए देखा है. लेट्स सी. समवॉट लाइक फिश बट लिटिल बिट हार्डर आई थिंक, मतलब फिश की तरह थोड़ा सॉफ्ट नहीं है फ्लैश उसका, बट ओके गुड, वी कैन ट्राई इट. सो ऐश के लिए आया है ये वाला चिकन विद ज़ीरो स्पाइस, बिकॉज हम लोगों ने इनके लिए थोड़ा कस्टमाइज़ करवाया है इसको, बिकॉज ये वाला चिकन नहीं खा पा रही थी, ज़्यादा स्पाइसी था. तो ये वाला चिकन है ज़ीरो स्पाइस वाला, तो लेट्स ट्राई ऐश इसको खा पाती है कि नहीं. सो मैं ऐश की प्लेट में अब इसको सर्व करूँगी, पहले एक पीस सर्व करती हूँ. लेट्स सी ये उसको क्या कैसे खाती हैं, इन्जॉय करती हैं. बेटा गर्म है, अभी गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे एंड उसके बाद ट्राई करेंगे ऐश को. ओके, सो ऐश को ये पसंद आ गया ये वाला चिकन. सो ओके, नाइस. ओके नाइस. सो अगर आपके आप भी बेबीज़ के साथ आए हैं, उनको स्पाइसी चिकन अच्छा नहीं लगे, तो आप इस तरह कस्टमाइज़ करवा सकते हैं बिना स्पाइस का. इसमें सिर्फ सॉल्ट है एंड ऐश को बहुत अच्छा लग रहा है. बेटा थोड़ा सा और. अब आप क्या ले रहे हैं शोएब? ये मशरूम हमने एक ऑर्डर करा है कि हम मशरूम ट्राई करते हैं. ओके, लेट्स ट्राई कैसा मशरूम रहेगा. ओके, तो ये मशरूम है. ओके, ट्राई करके बताइए कैसा लगता है आपको टेस्ट. इट्स लाइक गोभी, कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर, अच्छा, जरा गोभी खा. So it's not recommended for the non-vegetarians. If you are vegetarian, then you can take. Okay. What do you want? ये ऐश का नॉन स्पाइसी चिकन. तो क्या चाहिए बेटा आपको? ये देखिए ऐश खुद खा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको. सो इन द मेन कोर्स सबसे पहले आपको दिखेगा सैलेड, विच इज़ द ग्रीन सैलेड. दिस इज़ द रायता, तो रायता है, नीचे चटनीज हैं. आ जाओ बेटा. एंड स्टीम्ड राइस है, इसमें दाल दम, कढ़ाई वेज, गोभी मंचूरियन ग्रेवी, दिस इज़ फॉर द वेजिटेरियंस, एंड हॉट चिली गार्लिक नूडल सूप. लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नॉन वेजिटेरियन सेक्शन. अच्छा, यहाँ पे चल रहा है एक बर्थडे सेलिब्रेशन जो आप लोगों को दिख रहा है. बच्चों पहले ये कैप्चर कर लेते हैं.
नाराज़ी हैं सो एवरीवन, अब हम लोग आ गए हैं मेन कोर्स की तरफ जहाँ पे ये वैरायटी ऑफ सैलेड्स है। तो फर्स्ट एक मिक्स फ्रूट सैलेड, यहाँ पे आपको फ्रूट सैलेड मिलेगा, स्प्राउट सैलेड है एंड ये भी फ्रूट सैलेड है, यहाँ पे पीनट पोटैटो सैलेड एंड दिस इज़ द ग्रीन सैलेड जिसमें क्यूकम्बर है, रेडिश है, कैरेट है और ये है अनियंस हैं। नाउ थर्ड इज़ द रायता एंड वॉट इज़ दिस, दिस इज़ ऑल्सो द कैबेज एंड नीचे थोड़ी सी विनेगर ड्रेसिंग के साथ अनियंस रखी हुई हैं, अचार है, चिलीज़ हैं, कुछ सॉसेजेस हैं, लेमन है, सो वैरायटी ऑफ सैलेड्स, सो वेरी नाइस। सो लेट्स ट्राई सम स्प्राउट सैलेड एंड सम फ्रूट्स। हाँ गरम रहता है वो एंड ओके ओके लेट्स टेक सम रायता एज वेल। सो अब हम लोग आ गए हैं नॉन वेजिटेरियन मेन कोर्स की तरफ। सो यहाँ पे ये चिकन सैलेड है, चिकन सैलेड विद दी कैप्सिकम एंड चिकन एंड मेयोनीज, सो इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं बिकॉज वी आर चिकन लवर्स। मिर्ची है ओके, सो दिस इज़ दी सूप, सूप नहीं अभी एंड एग करी, वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल। सो एग करी आर यू इंटरेस्टेड, ओके ओके, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग करी राइट नाउ, बटर चिकन मसाला, ओके ओके, दिस इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर। थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं प्लेट में एंड दिस मच इज सफिशेंट, ओके एग करी एंड नाउ वॉट इज़ दिस, मटन रोगन जोश, मटन अभी नहीं लेंगे, मटन अभी सब चिकन ट्राई करते हैं एंड वॉट इज़ दिस, वाओ बिरयानी, हाँ बिरयानी भी एट दी एंड, रोटी ले लेते हैं। सो एवरीवन, मैंने तो मेन कोर्स में चिकन लिया है एंड थोड़ा सा सैलेड लिया है, यहाँ पे आपको रोटी जो है वो ऑर्डर करना पड़ती है, वेदर यू वॉन्ट रुमाली रोटी या नान और बटर नान वॉट एवर। सो हम लोगों ने बटर नान मंगवाई है एंड वही आई है हम लोगों के लिए, सो उसके अकॉर्डिंग वही लोग वो करते हैं आपके लिए पहुँचाते हैं एंड अलग से रखी हुई नहीं रहती है, जहाँ पे आप खुद अपने आप सर्विस कर लें आपको उनको बताना पड़ता है, देन वो उसके अकॉर्डिंग आपको ला कर देते हैं। सो आई एम ट्राइंग दिस बटर नान, कुल्फी 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 कुल्फी, सो आई एम ट्राइंग देयर बटर चिकन कि वो कैसा है फ्लेवर में। बटर चिकन इज़ क्वाइट गुड, अच्छा लगा फ्लेवर में एंड मटन तो मैंने लिया नहीं है, मटन के बारे में मैं शोएब से पूछूंगी उनको कैसा लगा, बट चिकन मुझे अच्छा लगा, अच्छे से खा सकता है कोई, बहुत अच्छे से अच्छा है, बहुत अच्छे टेस्टी है। सो शोएब आपकी प्लेट में क्या क्या है, क्या क्या लिया आपने ट्राई किया? मटन गोश्त लिया है, अच्छा मटन लिया आपने, चिकन सैलेड, ओके सैलेड एंड समथिंग दिस करेक्ट आई डोंट नो, ओके एंड आयश को क्या बिरयानी पसंद आ गई है? बिरयानी लेट्स ट्राई, कुछ स्पाइसी ना लगे, लेट्स होप, वैसे बिरयानी तो अच्छी लगती है आयश को, कुल्फी ली है, ओके ओके स्पाइसी लग रहा है, स्पाइसी है एंड वाओ वेरी कलरफुल कुल्फी, ये किसकी है, यश लेके आई है, स्प्रिंकल्स अलग से करवाए हमने, ओके वेरी नाइस वेरी ब्यूटीफुल। ऐश को अच्छा नहीं लग रहा है, सो इन दी मेन कोर्स मैंने लास्ट में लिया है बिरयानी, चिकन बिरयानी, सो आई एम ट्राइंग इट, मुझे इसका लुक अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छी है ये, बट लेट्स सी टेस्ट में कैसे, बिरयानी इज ऑल्सो गुड बट यहाँ पे सब मेन कोर्स जितने आइटम्स हैं लिटिल बिट स्पाइसी साइड में, तो अगर आप एक माइल्ड फूड पसंद करते हैं तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा एंड अगर आप स्पाइसी फूड लवर हैं तो ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ये जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं एंड देन मूव ऑन करते हैं डेजर्ट की तरफ। तो एवरीवन, अभी मैं आ गई हूँ स्वीट सेक्शन में, मगर कोई सब के लेके नहीं है, क्या है कोई सर्व करेगा जब वो अंदर की चीज़, अच्छा ये अभी खुद से ले सकते हैं। सो मैं आ चुकी हूँ स्वीट सेक्शन में एंड मैं ऐश के लिए कुछ ले लेती हूँ, सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ केसरी फिरनी, ओके क्या क्या है मैम इसमें, यस ओके कुल्फी है, सो कुल्फी आई थिंक लास्ट में ट्राई करेंगे, अभी स्वीट्स ले लेते हैं ना, कुल्फी हम लास्ट में ट्राई करेंगे, ओके सो दिस इज़ दी केसरी, केसरिया फिरनी जो बहुत ही छोटे से क्यूट से कप में है एंड दिस इज़ दी कलरफुल जेली बेली, सो
let's take out one jelly belly. Okay, now this is the pastry. So let's take one pastry and this is the crispy tart. ये तो मैं खाई directly. हाँ हाँ खा लीजिए आप. एक मैं रख लेती हूँ, देखिए मैंने भी रख ली है एक पेस्ट्री टार्ट. एंड व्हाट इज दिस, चॉकलेट ब्राउनी. तो एक चॉकलेट ब्राउनी भी रख लेते हैं, एक चॉकलेट पेस्ट्री भी रख लेते हैं. एंड दीज आर दी फ्रूट्स, पपाया एंड व्हाट इज दिस, वाटरमेलन. सो अभी सिर्फ ये लेते हैं, देन वी विल ट्राई समथिंग एल्स. एंड देर इज़ आइसक्रीम ऑल्सो, यहाँ पर आइसक्रीम, कुल्फी एंड ये पेस्ट्री, ये सब था स्वीट सेक्शन में. तो अभी ये सब लेके चलते हैं बिकॉज ऐश को ये सब खाने का मूड हो रहा है. ओके ओके बेटा, पकड़िए प्लेट, पकड़िए प्लेट. ओके चलो लेट्स गो. सो एवरीवन, मेन कोर्स फिनिश हो गया है एंड अब हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ का डेजर्ट. डेजर्ट में बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने तो कुछ कुछ लिया है. कुल्फी में 6 वैराइटीज़ थी, तो मैंने ली है पान कुल्फी एंड केसर कुल्फी. ये ग्रीन वाली पान कुल्फी है, वाइट वाली केसर कुल्फी है. इसके ऊपर आप स्प्रिंकलर अपने अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं. ये चॉकलेट ब्राउनी है, दिस इज चॉकलेट पेस्ट्री, दिस इज़ पाइनएप्पल पेस्ट्री, दिस इज़ कस्टर्ड एंड कस्टर्ड फिरनी एंड दिस इज़ नॉर्मल मिल्क फिरनी. दिस आर दी ब्लैक जामुन, गुलाब जामुन, एंड ये भी है गुलाब जामुन है यहाँ के कस्टर्ड वाले. सो ऐश को ट्राई करते हैं सबसे पहले, उनको क्या अच्छा लगता है. देखिए शी इज़ ट्राइंग दी कस्टर्ड फिरनी. कैसी लगी बेटा आपको, गुड? ओके, मैं सबसे पहले कस्टर्ड फिरनी ट्राई करती हूँ एंड टेस्ट देखते हैं इसका कैसा है. फ्रूट कस्टर्ड का जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है. एंड सेकेंड ये मिल्क फिरनी ट्राई करते हैं. इसका थोड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है बट टेस्टी. ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो गुलाब जामुन हैं इनको ट्राई करते हैं. साइज़ में छोटे हैं बट टेस्ट में बिल्कुल वैसे ही है जैसे होते हैं. और साइज़ में अच्छा हुआ ही छोटे हैं, बहुत बहुत बड़े होते हैं तो फिर पूरा खा भी नहीं सकते. छोटे छोटे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना. दिस इज़ दी चॉकलेट ब्राउनी, तो जो चॉकलेट लवर्स हैं वो ये इसको ज़रूर ट्राई करें. अच्छी है, ये भी बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, माइल्ड स्वीटनेस है इसमें. दिस इज़ दी चॉकलेट पेस्ट्री, चॉकलेट एंड क्रीम. ये काफ़ी जूसी है, बहुत जूसी लगी मुझे. नाउ दिस इज़ दी पाइनएप्पल पेस्ट्री, इसको ट्राई करते हैं. अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है. मतलब स्वीटनेस में तो जो भी है, जिनको भी स्वीट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो उनका तो बहुत दिल भर जाएगा यहाँ पर. इसको ट्राई करते हैं, ये कौन सा फ्लेवर है. ये एक्चुअली रसमलाई टाइप का फ्लेवर लग रहा है इसमें, लग रहा है उन्होंने रसमलाई के ही बॉल्स बना के डाले हैं इसमें. नाउ लेट्स ट्राई दिस पान की कुल्फी. आपको ट्राई करना है? ओके, मैं ट्राई करती हूँ. एक्चुअली पान का ही फ्लेवर है, जो लोग खाने के बाद पान पसंद करते हैं तो वो लोग ये इसको ज़रूर ट्राई करें, पान की कुल्फी को. सॉरी, ओके ओके, आपको करना है गुलाब जामुन. आधा ट्राई करो बेटा पहले. कमन कमन, ये ऐश ने गुलाब जामुन ट्राई. ओके ओके, साइड में कर देते हैं बेटा. एंड इसको और ट्राई कर लेते हैं, ये केसर की कुल्फी है. ये बहुत अच्छी है केसर की कुल्फी. तो यहाँ का फूड इज़ रियली ऑसम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. अभी मेरे हस्बैंड का खाना फिनिश हो जाए फिर उनसे उनका रिव्यू लेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ का फूड. सो मैं जब तक इसको फिनिश करती हूँ, फिनिश तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जितना ही मैक्सिमम फिनिश कर सकती हूँ कर लूँगी, तो उसके बाद उनका रिव्यू लेते हैं एंड इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट द मेन कोर्स. मेन कोर्स में एक्सपीरियंस अच्छा है, समथिंग और वैरायटी होना चाहिए आई थिंक. ओके, क्योंकि इसमें मुझे 3 वैरायटीज लगी, फिर भी वन मोर और कुछ अलग से कुछ होना चाहिए था. ओके, आई थिंक इसमें फिश ग्रेवी भी मिसिंग थी.
फिश ग्रेवी थी आई थिंक वन मोर और कुछ वैरायटी होना चाहिए बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था मैंने मेन कोर्स का ओके और सैलेड बहुत टाइप के थे तो मैंने सैलेड ट्राई करे पूरे सैलेड अलग अलग टाइप के वो मुझे अच्छा लगा ओके टेस्ट कैसा लगा आपको मटन का सही था टेस्ट अच्छा अच्छा टेस्ट वाइज अच्छा है चलिए आप फिनिश करिए फिर डेजर्ट का रिव्यू लेते हैं आपसे सो आप क्या क्या लेके आए स्वीट्स में मेरे पास मैंने आइसक्रीम ली है टू टाइप्स की ओके एक अलग अलग फ्लेवर डिपेंड करता है आई डोंट नो क्या फ्लेवर है अच्छा और एक ये है समथिंग स्वीट आई डोंट नो कि कुछ नाम नहीं देखे हलवा हाँ एक मूंग दाल का हलवा है छोटे गुलाब जामुन है तो समथिंग ये दिस आई डोंट नो अच्छा ब्राउनी होगी ब्राउनी हलवा ट्राई करिए मैंने हलवा नहीं ट्राई किया आप ट्राई करके बताइए कैसा है ये देखिए ऐश हम लोगों को बिल्कुल बैठने नहीं दे रही हैं शी वॉन्ट्स कि हम लोग पूरा बारबेक्यू नेशन के साथ घूमते रहें अच्छा है हलवा अच्छा ज़्यादा स्वीट नहीं है माइल्ड माइल्ड स्वीट तो अच्छा लग रहा है टेस्ट अच्छा तो फिनिश करिएगा पूरा होप सो फिनिश कर पाए वर्दी था मतलब प्राइस वर्दी था टाइप ज़्यादा है आई थिंक के लिए सैलेड आई से बाकी अपने लिए तो ठीक है नॉर्मल है नहीं न्यू थिंग ट्राई करने की बहुत अच्छी चीज़ है हाँ बेटू चल रहे हैं बस फिनिश कर ले चल रहे हैं कितना परेशान कर रही हैं आप टहल टहल के खाइए इनके साथ ये देखिए ऐश ये चाह रही हैं कि शोएब के साथ वॉक करते रहें और वो घूमती रहें पूरा बीच में फूड सेक्शन है वो सीन कर रहे हैं इधर इधर आस पास सब टेबल वो देख लो इधर देख लो इधर इधर कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है इसकी बहुत लोग आ जाएंगे यहाँ पे गाना गा रहे हैं इवन यहाँ पे बहुत डांस करो डांस ये सब भी सेलिब्रेट कर सकते हैं इसको अगर बुक करना हो किसी इवेंट के लिए सी ऐश कहाँ गई हैं सो वेयर इज ऐश ये देखिए ये ऐश ये चाह रही है मेरे साथ खेलूँ यहाँ स्लो 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 बस अब मैं नहीं भागूंगी ऐश के पीछे नहीं तो वो गिर जाएंगे इधर से पकड़ती हूँ डिनर किया बारबेक्यू नेशन में एंड अपना दी एंड हो गया है पूरी टेबल अपनी फिनिश हो गई है खाने का दी एंड हो गया अपना दी एंड हो गया अपना दी एंड हो गया हाँ मतलब खाने का दी एंड हो गया है एंड अपने फिनिश कर लिया खाना सो बताइए एंड हमारे जूनियर ने भी फिनिश कर लिया है क्यों ऐश भाई बताओ बेटा कैसा लगा आपको आपको कैसा लगा ऐश ने कुछ भी नहीं खाया सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाए थे थोड़े से एंड थोड़ा सा चिकन खाया था बट मेन कोर्स में और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया ये देखिए पूरा पूरा कैबिनेट अंदर चली जा रही है ऐश ये देखिए सो आपका अब बताइए आपने यहाँ का स्टार्टर मेन कोर्स एंड डेजर्ट ट्राई किया सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस टेस्ट कैसा था एंड यहाँ की सर्विसेज कैसी थी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था न्यू एक्सपीरियंस था कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई मेरा ऐसा कुछ तो रेस्टोरेंट नॉर्मली अपन ऑर्डर करते आता है यहाँ पर पूरा बारबेक्यू खुद अपने ऑन द टेबल था तो ये देख के थोड़ा अच्छा लगा ये जो आपको प्लेटर दिख रहा है ऐसी जगह बारबेक्यू रखा हुआ था एंड फर्स्ट टाइम था अपना बारबेक्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था ट्राई करेंगे दोबारा आना जब भी टाइम मिलता है बिल्कुल एंड डेजर्ट कैसे लगे आपको आके डेजर्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी मैं ज़्यादातर डेजर्ट एंड स्वीटी चीज खाई है स्टार्टर भी अच्छा था मतलब ओवरऑल प्राइस वर्दी यहाँ का एक्सपीरियंस था आप लोग अगर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने जितना आपने अमाउंट पे किया है उतना आप उसका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाए इतनी वैरायटी है यहाँ और अगर आपको ऑफर टाइम में आना है तो मंडे एंड ट्यूजडे जरूर आइए इनका थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पर मंडे ट्यूजडे पे आज है संडे 11th June 2023 एंड संडे वाले दिन कोई ऑफर नहीं है सिर्फ मंडे ट्यूजडे को थोड़ा सा डिस्काउंट रहता है तो जिनको थोड़े कम प्राइस में अगर चाहिए तो वो उस दिन आके ट्राई कर सकते हैं एंड अदरवाइज वी लव बारबेक्यू नेशन वेरी गुड सर्विसेज एंड वेरी गुड फूड ऐश आपको कैसा लगा आपने अपना एक्सपीरियंस बताया बाय बाय कर लो बाय बाय ऐश बाय बाय ओके सो ऐश इज सेइंग कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए बिकॉज शी इज प्लेइंग विद द बिल है ना ऐश एक बार आप बाय बोल दीजिए अपने सब्सक्राइबर्स को आपको प्यार करते हैं क्या ओके सो ऐश आप सबको बाय बोल रही हैं सो कीप सपोर्टिंग दिस चैनल ऐश से बाय टू एवरीवन चलो ठीक ओके ओके